दिनांक 27 अगस्त 2024 को करीब शाम को 4 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस अंचल कार्यालय, पुलिस निरीक्षक अंचल कार्यालय कोढ़ा में कार्यरत एक साक्षर सिपाही, महिला सिपाही 215 अनीता कुमारी के द्वारा अपने कमरे में अंदर से बंद करके फांसी लगा लिया गया है। सूचना मिलते ही तत्क्षण वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2, CI जो है वो, SSL की हमारी जो टीम है वो, और यहाँ की जो CO है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और फिर मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में ही जो दरवाज़ा को तोड़ा जाता है और उक्त महिला सिपाही का शव जो है लटका हुआ वो पाया जाता है। इनिशियल जो छानबीन हुई है, खुद हम लोगों ने भी उसको देखा है, तो उसमें कुछ उनके द्वारा जो है मृतक का जो महिला सिपाही है उनके द्वारा कुछ लिखा हुआ भी जो है उसमें मिला है। गले में जो है ईयरफोन था घटना जब हुई है उसमें, और सामने भी जो है वो मोबाइल भी रखा हुआ था। तो इसकी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू। ये जो इनकी जो पोस्टिंग हुई है, डेट तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये CI कोढ़ा के कार्यालय में ये कर रहे थे। प्रथम दृष्टया कार्यालय तो प्रथम दृष्टया मैंने आपको बता ही दिया लगभग लगभग कि जो हम लोगों को जो सूचना मिली सब हम लोगों ने देखा, और कुछ नोट्स भी मिले हैं हाथ से लिखा हुआ उनका। तो उसमें जिसको आप बोल सकते हैं सुसाइड नोट टाइप का, उसमें कुछ बातें उसमें हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, और जो भी होगा हम लोग जांच करके जो कानूनी कार्रवाई हम लोग करें। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाई IAO एंड एफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।